मेरी बेटी शंकर और सुशीला के भाग में क्या लिख दिया? वो चंदाल मुझसे धोखे से सत करवा लिया और बेटी सुशीला का दोनों नेत्र और बेटा शंकर को वनवास को कहा। अचल दी हाय अय्या रे तुला पिताजी, पिताजी आप रो रहे हैं, क्या बात है पिताजी? पुत्र हरी लाख समझाया था मैं तुम्हें कि तुम दोनों भाई भाई और बहन अपनी मां के चरणों में जाकर के प्रणाम कर लो। पुत्र लेकिन पिताजी क्या हुआ? अपने पिता के सामने तो उसे रंडी और बेशिया कहकर के दरबार से चली गई। तब क्या करती पिताजी? वो मेरी मां नहीं है, वो तो रंडी बेशिया है पिताजी। मैं उसे मां कैसे कर सकती पिताजी? मेरी मां तो मर के स्वर्गवास हो गई है। आगे के तनो कहलियोगे तुला दीगे आगे शंकर क्या हुआ पिताजी? बेटी सुशीला पिताजी मैं महारानी के साथ में सत किया हूँ। सत? किस बात की सत पिताजी? सुशीला की दोनों नेत्र और बेटा शंकर को 14 वर्ष के लिए वनवास कर। नहीं नहीं पिताजी, मैं किसी का काल नहीं हूं। माफ कर देना शंकर अपने पिता को कि ये बोले बलला पिताजी। Yeah.
सीना पर लौड़े शंकर। ये क्या हो गया पिताजी? सुशीला पिताजी, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, जो आज अपने पुत्र और अपने पुत्री को अपने दिल से अपने राशि पावन कर रहा है। पिताजी बेटी, पिताजी मैं बंजारिन के साथ में शत किया हूं, पिताजी और उस चंडालिन का कहना है सुशीला का दोनों नेत्र, पिताजी अधिक और शंकर को सदा के लिए बनवास। पिताजी हम दोनों भाई कभी अलग नहीं होंगे पिताजी। माँ से आप सत्य किए पिताजी, आज मैं जाऊंगी माँ के पास, मैं उनका पैर इतना जोर से पकड़ूंगी जब तक हमें माफ नहीं कर देंगे पिताजी, तब तक मैं उनके पैर नहीं छोड़ूंगी पिताजी। सुशीला पिता सरकार। हाँ पिताजी। अरे भूल जाना अपनाओं को पुत्र, इतना चाव नहीं शमशान में मैं अपनों के लिए क्या क्या नहीं किया। पुत्र मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, जो तुम दोनों भाई बहन को इस शमशान में रास्ते में ठोकर ही ठोकर लगा। पिताजी मैं जा रहा हूं माँ के पास, इतना रोऊंगा इतना गिड़गिड़ाऊंगा, अगर माँ का दिल पत्थर का भी होगा तो मैं उसे मान कर दूंगा पिताजी। मैं जा रहा हूं। जा बेटी, अपने माँ के चरणों में जा करके अपने प्राण के लिए गिरी तरह गिड़गिड़ाना। ठीक है पिताजी, लेकिन पिताजी मैं जा रहा हूं, अगर थोड़ा सा ही लेट होगा मुझे आने में तो आप माल में बैठ के इंतजार मत करना पिताजी, मेरे पास जरूर आना पिताजी। अरे दिलमा लगाई रे दूल्हा, प्रणाम। मैं माँ के पास जा रहा हूँ, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। माँ के पास जाओ, मैं तो उस चंडाल की साथ में सत कर चुका हूं, अपने माँ के साथ अपने प्राण के लिए शेखीर के तरह छिड़छिड़ाना ताकि तो तुझे माफ कर दे। ठीक है पिताजी, मैं आसरा देखा बहु दूल्हा आ रया जो
बोला बा। हाँ भाई शंकर, जो पिताजी हम दोनों भाई को एक एक भूल से पैदा किया वो पिताजी को मुझे माफ नहीं कर पाया। हम दोनों भाई बहन जा रहे हैं सौतेली माँ के पास, क्या वो माँ हम दोनों भाई बहन को माफ कर देगी? क्यों नहीं भाई, चले भाई, माँ का इतना जोर से पैर पकड़ेंगी, बहुत रोएंगी गिर।